नेम रिएक्शन पार्ट टू क्लास ट्वेल्थ, नेम रिएक्शन पार्ट टू क्लास ट्वेल्थ, ये सेकेंड पार्ट है नेम रिएक्शन का। 10 नंबर पर देखें क्या है, हेलो फार्म रिएक्शन, हाफ मान ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, डाई एजो रिएक्शन, और इसी में आपको पढ़ना है सैंडमेयर रिएक्शन, गाटर मान रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, परकिन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन और लीबरमान रिएक्शन, लीबरमान या लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो है 9 रिएक्शन इस सेकेंड, ध्यान दें हेलो फार्म रिएक्शन, ये क्या होता है हेलो फार्म रिएक्शन। तो यहां से आप देखेंगे वे यौगिक जिसमें CH3CO समूह उपस्थित होता है, वे यौगिक जिसमें CH3C(O) या CH3CO समूह क्या होता है उपस्थित होता है, या जिसके ऑक्सीकरण करने पर CH3CO समूह बनता है, वे हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। अभी आप देखें या एथिल एल्कोहल है CH3CH2OH, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यह बन जाता है CH3C(O) और बन जाता है H। इसका मतलब ये CH3CO समूह उपस्थित है, अतः एथिल एल्कोहल हेलोफार्म अभिक्रिया देगा। दूसरा इसी में आप देखें CH3OH है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से बनता है क्या HC(O) और H बनता है, और इसमें आप देखेंगे कि CH3 समूह उपस्थित, CH3CO समूह उपस्थित नहीं है, अतः मेथिल एल्कोहल जो है हेलोफार्म अभिक्रिया जो है मेथिल एल्कोहल जो है यह हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं देता है। तो ये रीजन था, कौन से यौगिक देंगे, वे यौगिक जिसमें CH3C(O) समूह उपस्थित होता है या ऑक्सीकरण करने पर CH3C(O) उपस्थित होता है, तो उसे वह हेलोफार्म अभिक्रिया देते हैं। अब यहाँ से 3 यौगिक जनरली देते हैं हम लोग, लिखते हैं कौन कौन सा, यह हो जाएगा C2H5OH, दूसरा क्या होता है CH3CHO, और तीसरा है CH3COCH3, एथिल एल्कोहल, एस्टरडिहाइड और यह है एसीटोन। इसको हम क्या करते हैं कास्टिक सोडा के साथ गर्म कर देते हैं NaOH, यहाँ भी क्या करते हैं NaOH, और यहाँ से भी देखें NaOH हो जाता है, अब प्लस X2 यहाँ से हाइलोजन मिला करके इसको हीट करते हैं, अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है 6 हो जाता है 4, और यहाँ भी 4, और ये 4 तो यहाँ पर 3 और ये 3। अब ये बनते क्या है, तो सब में बनता है हेलोफार्म, हेलोफार्म का मतलब हो जाएगा CHX3, यहाँ भी देखें CHX3 और ये हो जाएगा CHX3, अब प्लस NaNaX, यहाँ भी देखेंगे यहाँ से NaX और प्लस NaX हो जाता है, और क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाता है 5, ये 3 और ये 3, अब प्लस HCOONA, यहाँ क्या हो जाएगा HCOONA, और इसमें आप देखेंगे एक कार्बन ज्यादा है तो सोडियम एसीटेट बनता है COONA, अब प्लस हो जाता है ये बन जाएगा 5H2O, यहाँ से 3H2O और प्लस हो जाता है 3H2O, ये बनता है। अब हेलोफार्म का मतलब क्या है, ये है हेलोफार्म है, जैसे क्या CHX3 को क्या कहेंगे हेलोफार्म, अगर हम Cl इसमें पुट कर दें तो यह हो जाएगा CHCl3 क्लोरोफार्म हो जाएगा, अगर हम X=Br पुट कर दें तो CHBr3 ब्रोमोफार्म हो जाएगा, X=I पुट कर दें
यह हो जाएगा CH3, इसका नाम आइडोफार्म हो जाता है। और अगर ये है तो इसको हैलोफार्म कहते हैं। सुनिए देखें, एथिल एल्कोहल एस्टल्डिहाइड या एसीटोन को कास्टिक सोडा एवं हैलोजन के साथ गर्म करते हैं तो हैलोफार्म प्राप्त होता है, इसे हैलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। अगर किसी में हम C2H5OH+6NaOH4I2, इसमें देखें CHI3 प्राप्त होता है और CHI3 को क्या कहते हैं, आइडोफार्म कहते हैं और इस अभिक्रिया को आइडोफार्म अभिक्रिया कहेंगे। हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, इसमें एमाइड का फार्मूला होता है RCO NH2। ये क्या होता है, इसका नाम है एमाइड। और प्लस ब्रोमीन Br2 और प्लस KOH, यहाँ से देखेंगे KOH लेकिन 4 रहेगा और वो भी AQ रहता है एक्वस। तो कहेंगे एमाइड ब्रोमीन एवं KOH को गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से देखें ये बीच का CO ग्रुप जो है हट जाता है, तो CO हटेगा तो क्या बचेगा, RNH2। तो यह बन जाता है प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। प्लस क्या हो जाएगा, 2KBr हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, K2CO3। अब प्लस हो जाता है 2H2O। एक बार और देखें, एमाइड ब्रोमीन एवं जलीय KOH या KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। वैल्यू रखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा C2H5CO NH2 प्लस क्या हो जाएगा Br2 प्लस 4 क्या हो जाएगा KOH। यहाँ से देखें 4KOH, अब हीट कीजिए तो CO हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से C2H5NH2 और इसका नाम क्या होता है, एथिल एमीन। यह हो गया एथिल एमीन। अब प्लस क्या हो जाएगा, 2KBr और K2CO3 और प्लस हो जाएगा 2H2O। तो यहाँ से एथिल बोलेंगे क्या, इसको देखें प्रोपेनामाइड ब्रोमीन एवं KOH को गर्म करते हैं तो एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो ये है आपका हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। ये एलिफैटिक है, एमाइड है, एरोमेटिक भी देता है तो उस समय देखें क्या हो जाएगा, तो CO NH2 और इसमें जुड़ा होता है बेंजीन रिंग। अब इसको क्या करते हैं तो Br2 आप प्लस 4KOH के साथ गर्म करते हैं, यहाँ से देखें AQ हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो बेंजीन रिंग हो गया और उसके बाद इसमें क्या जुड़ेगा, NH2 प्लस क्या हो जाएगा 2KBr आप प्लस हो जाएगा K2CO3 और प्लस हो जाएगा 2HO। यानी इसका नाम क्या है, बेंजीन के साथ एमाइड है तो बेंजामाइड बोलते हैं। बेंजामाइड को ब्रोमीन एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। तो ये था हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। डाई एजो रिएक्शन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, डाई एजोनीकरण। क्या होता है तो यहां से आप देखें एनिलीन, या एनिलीन है आप प्लस CHNO2 नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे कहां से मिलते हैं ये, तो यह मिलता है NaNO2 आप प्लस होता है HCl। टेम्परेचर 0 से लेकर के 5 सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। हम इनको मिक्स करते हैं, जब मिक्स करते हैं तो होता क्या है, देखें 2H
3H और ये 4H, 1, 2 और 2 मिल के कितने 4, यानी 4 हाइड्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो बन जाता है 2H2O बन जाता है। अब जो शेष बचा है उसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्रम से लिखते हैं, तो यहाँ से आप देखें यह बन गया आपका बेंजीन रिंग है, इसमें जुड़ा क्या है N, तो यहाँ N शेष है, इसमें क्या है, यहाँ भी N शेष है और इसमें क्या है Cl है, ये तीनों क्रम से लिखते हैं। अब बताएं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड यहाँ कर देंगे और यहाँ सिंगल वैलेंसी कंप्लीट हो गई और इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको कहते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्राइट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एनिलीन में मिलाते हैं और भी किस टेम्परेचर पर, 0 से 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिलाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है, इसे डाई एजो रिएक्शन या डाई एजोनीकरण कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ से दो और नेम रिएक्शन हमें पढ़ना है, यहाँ से हमने यूज कर दिया, यहाँ से देखें दो भाग हो गया इसका। अगर हम Cu2 और Cl2 की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो यह जो है N2 गैस निकल जाती है, Cl आके इसमें जुड़ जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन और प्लस N2 गैस होती है। दूसरा कंडीशन देखें क्या होता है, तो Cu2 और यहाँ CN का होल ट्वाइस और साथ में क्या होता है HCN होता है, गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या होता है N2 गैस निकल जाती है, इसका एक H और Cl निकल जाता है और बेंजीन रिंग में CN जुड़ जाता है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ CN हो जाएगा और प्लस क्या HCl और प्लस कौन सी गैस N2 गैस निकलती है, और इसको प्राप्त किया था सैंडमेयर ने, इसलिए इसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, यहाँ से देखें रिएक्शन कहते हैं, कौन सा सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप देखें ये क्या होता है, यहाँ से आप देखें अगर हम गर्म कर देते हैं Cu तथा HCl की उपस्थिति में, कैटलिस्ट यहाँ यूज हो गया तो भी N2 गैस निकल जाता, Cl आके जुड़ जाता है और उस कंडीशन में यहाँ से प्राप्त होता है क्या, यहाँ पर Cl हो गया अब प्लस कौन सी गैस N2 गैस प्राप्त होती है, एक क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अगर यही कंडीशन यहाँ देखें Cu और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या होता है CN हो जाता है HCl और N2 गैस निकलती है, और इसे हम किसने प्राप्त किया था, इसको प्राप्त किया था गाटरमान ने, इसलिए गाटरमान रिएक्शन कहते हैं, इसको गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें तीन रिएक्शन पढ़े, डाई एजो रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन और इसका नाम है गाटरमान रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ से आप देखेंगे टालोविन, ये हो गया टालोविन और इसमें जुड़ा क्या है CH3 और प्लस नवजात ऑक्सीजन, और ये कहाँ से मिलता है तो CrO2 और ये हो जाता है Cl2, CrO2 Cl2। अब यहाँ से आप पाएंगे तो ये दो नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है क्रोमिल क्लोराइड से ही, तो कहेंगे क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टालोविन ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, अब आप देखेंगे 2H और 1O मिल जाता है तो यहाँ सो जाता है H2O। अब बचा यहाँ क्या CH और ये बचा O, तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, ये बन जाता है CHO हो जाता है और इसका नाम है बेंजल डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं
बेंजल डिहाइड कहते हैं। तो ये था आपका इटार्ड रिएक्शन। क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टालुविन ऑक्सीकृत हो करके बेंजल डिहाइड बनाता है और इसे कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। देखें पार्किन रिएक्शन। पार्किन रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर आइए देखिए C6H5CHO है और प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO और जुड़ा है किससे? O से। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इनको हम गर्म करते हैं और वो भी किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ पर होता है सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में इसको हीट किया जाता है। वैसे जनरली आप देखेंगे ये जहाँ भी रिएक्ट करता है वहाँ पर एक एस्टिक एसिड बनता है। तो यहाँ से एस्टिक एसिड हम निकाल रहे हैं, पहले देखें तो CH3CO और एक H क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर बन जाता है CH3 और COOH और प्लस दूसरा कंपाउंड देखें क्या होगा। अब इसके बाद एक H कम पड़ रहा था तो इसमें से एक H आ गया। अब इसके बाद यहाँ बचा क्या? तो यहाँ पर आप देखेंगे यह होता है CH2 और COO बच गया। अगर इस H को हम हटा दें, CH कर दें, तो लास्ट में हम कर सकते हैं क्या? H। अर्थात यहाँ से क्या बचाए? यह CH बचा, COO हो गया और इसका एक O आ करके CH COO आ गया। तो यहाँ पर शेष क्या है? तो यहाँ पर है C6H5CH हो जाता है, इस साइड में बचता है और इस साइड में CH COOH और इनके बीच आ जाता है कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और इसे हम नाम देते हैं क्या? इसको बोलते हैं यहाँ से सिनेमिक एसिड बोलते हैं। यहाँ से देखें सिनेमिक एसिड कहते हैं, सिनेमिक एसिड कहा जाता है और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कौन सा? पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और देखें, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड एवं एसिटिक एनहाइड्राइड को गर्म करते हैं तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, इसे पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड एवं एसिटिक एनहाइड्राइड को गर्म करते हैं तो सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है और इसे पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। नेम रिएक्शन पार्ट 2 क्लास 12th, ये 15 नंबर पर है। देखें विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है। तो यहाँ से आप देखें ले लेते हैं एल्किल हैलाइड है और दूसरा क्या है? सोडियम एल्का ऑक्साइड बोलते हैं। एक क्या है? एल्किल हैलाइड हो जाएगा, एल्किल हैलाइड और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एल्का ऑक्साइड होता है। इनको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो सीधे सीधे देखें या एक्स और एनए एक साथ आ जाता है और बन जाता है NaX। सोडियम हैलाइड बन जाता है और उस कंडीशन में देखें NaX हो गया। अब जो बचा है उसको क्या करते हैं? जो बचा है उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है? RO-R- ते हैं ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर। एक बार और देखें, सोडियम एल्का ऑक्साइड एवं एल्किल हैलाइड को गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। सोडियम एल्का ऑक्साइड एवं एल्किल हैलाइड को गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है।
और यहाँ से आप देखेंगे वैल्यू रखें तो यहाँ पर आप देखें यह हो जाएगा C2H5Cl और प्लस हो जाएगा C2H5ONa और उसके बाद इसको हमने हीट कर दिया तो यहाँ से NaCl निकल जाता है और यह बन C2H5 और प्लस हो जाएगा NaCl और इसका नाम क्या हो जाएगा तो डाई एथिल एथिल ईथर कहते हैं ती प्राप्त होता है। अर्थात एथिल क्लोराइड एवं सोडियम एथा ऑक्साइड एथिल क्लोराइड एवं सोडियम एथा ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और इसे हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ध्यान देंगे जब भी फ्रिडल का नाम आया तो वहाँ पर हम यूज करते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आप देखेंगे जैसे बेंजीन है और इसमें हम क्या करते हैं CH3Cl अर्थात एल्किल हैलाइड मिला करके गर्म करते हैं और ये क्रिया कहाँ होता है तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड होती है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ध्यान देंगे बेंजीन रिंग में हर एक कॉर्नर पर क्या होता है कार्बन होता है और उस कार्बन से क्या जुड़ा होता है एच होता है। जब तक वह एच हटेगा नहीं तब तक कोई ग्रुप जुड़ेगा नहीं तो इसका एच और ये सी एल मिलकर क्या बन जाता है तो यहाँ से आप देखेंगे एच सी एल हो गया। अब बचा सी एच थ्री तो ये सी एच थ्री उसके स्थान पे ऐड हो जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा सी एच थ्री हो जाता है और इसका नाम है टालुइन कहते हैं और इसे नाम देते हैं कौन सा फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन एवं मेथिल क्लोराइड को गर्म करते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है इसे फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखें एक रिएक्शन और होता है यहाँ से यह हो गया बेंजीन रिंग और इसके जगह पर हम यूज कर लेते हैं CH3COCl एसिटिल क्लोराइड इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड और उसके बाद सेम वही कंडीशन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में तो होता क्या है यहां से आप देखेंगे ये जो है इसका निकला हुआ एच और सीएल मिलके एच सीएल बन जाता है और ये पूरा कंपाउंड उसी में ऐड हो जाता है तो यहां से आप देखेंगे यह हो गया बेंजीन रिंग और इसमें जुड़ जाता है सी एच थ्री सी ओ सी एल और प्लस हो जाता है एच सी एल यहाँ से आप देखें ये रिएक्शन प्राप्त होता है और इसका नाम क्या है इसका नाम है एसीटोफिनोन कहते हैं एसीटोफिनोन ये प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं कौन सा फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एक बार और देखें निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन एवं मेथिल क्लोराइड को गर्म करते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है और दूसरा कंडीशन क्या है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन एवं एसिटिल क्लोराइड को गर्म करते हैं तो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है इसे क्या नाम देते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। स्मिट रिएक्शन क्या होता है स्मिट रिएक्शन देखें ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस पर हम रिएक्शन कर देते हैं N3H नाम इसका क्या होता है हाइड्राजोइक एसिड और ये किसके प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्राजोइक एसिड इनको मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो यहाँ से देखें ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है CO2 और प्लस इसमें से क्या निकल जाता है N2 गैस निकल जाता है तो यहाँ पर H और यहाँ NH शेष है दोनों मिलके NH2 हो गया R के साथ जुड़ जाते हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है
RNH2 हो जाता है। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन, कहते हैं प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। और इसमें कार्बन की संख्या घटती है, इसलिए कार्बन की संख्या को घटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बोलेंगे कैसे, देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं हाइड्राजोइक अम्ल को गर्म करते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। अब एलू रखा जाए इसमें, देखें क्या हो जाएगा, CH3COOH अब प्लस हो जाएगा N3H, यहाँ से किसके प्रेजेंस में यह हो जाएगा H2SO4, क्या बन जाता है, यह बन जाएगा CH3NH2 अब प्लस हो जाता है CO2 अब प्लस N2 गैस, यह एलिफैटिक यौगिक के रिएक्शन देता है। अब आप देखेंगे एरोमेटिक में आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड और बन गया इसमें एस्टिक एसिड से मेथिल एमीन। बेंजीन रिंग में देखें क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक में कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाता है COOH, अब प्लस क्या होता है N3H, यहाँ से किसके प्रेजेंस में H2SO4 के। अब उसके बाद यहाँ से देखें क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो होता है क्या हो जाता है NH2 अब प्लस हो जाएगा CO2 अब प्लस N2 गैस, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एनिलीन प्राप्त होता है। यह एरोमेटिक भी देता है और ये एलिफैटिक भी देता है, दोनों में अभिक्रिया देता है, ये है आपका स्मिट अभिक्रिया। लिवरमान नाइट्रोसो रिएक्शन या लिवरमान अभिक्रिया इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यहां से देखें फिनाल और इसको नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ गर्म करते हैं, भी दो मालिकुल से भी दो मालिकुल से, लेकिन ये मिलता कहां से है, तो यहां पर आप देखेंगे NaNO2 अब प्लस होता है H2SO4, यानी सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनाल को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ से आप देखेंगे फिनाल को गर्म करते हैं तो एक मालिकुल्स जो है इसका कन्वर्ट होता है, यहाँ से देखें OH, यहाँ से N और डबल बॉन्ड क्या होता है O, और प्लस दूसरा क्या बनता है, या क्विनोन बनता है, क्विनेन ग्रुप, यहाँ से देखें यहाँ से भी डबल बॉन्ड और साइड में भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर N और आगे होता है OH, अब प्लस क्या हो जाएगा 2H2O, ये फिनाल है, फिनाल में OH यहाँ तो रहेगा ही, ये पैरा पोजीशन पर इसको नाम देते हैं नाइट्रोसो, कहते हैं नाइट्रोसो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो फिनाल, फिनाल बनता है। और इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे क्विनोन, क्विनोन मोनो, मोनो आर्जिन बोलते हैं, ये प्राप्त होता है। पहले देखेंगे कि इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, यहाँ ब्राउन कलर का होता है, जो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन, ग्रीन या ब्लू में चेंज हो जाता है, ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन या ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसमें मिलाते हैं क्या, रेडिश ब्राउन कलर है, ग्रीन या ब्लू में चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद हम इसमें मिला देते हैं H2O, यह हो जाता है रेड कलर का हो जाता है, पुनः इसके बाद जब हम इसमें NaOH मिलाते हैं तो यह पुनः ब्लू या ग्रीन हो जाता है, जिससे फिनाल की पुष्टि होती है। एक बार और देखें, सोडियम नाइट्राइट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को की उपस्थिति में फिनाल को गर्म करते हैं तो पैरा नाइट्रोसो फिनाल एवं क्विनोन
क्विनोन मोनोआक्जिम प्राप्त होता है। यह प्रारंभ में लाल भूरे रंग का होता है जो धीरे धीरे ग्रीन और या ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जल मिलाते हैं तो यह पुनः लाल हो जाता है और उसके बाद जब इसमें NaOH मिलाते हैं पुनः ब्लू हो जाता है। इसे लिबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? लिबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया कहते हैं।